नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP किसान पुत्र में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान चल रहा है। कृषि यंत्र आप सब्सिडी पर खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 45 से लेकर 50% तक की सब्सिडी पर 8 से 10 बड़े कृषि यंत्र मिल रहे हैं, जो कि 19 सितंबर से 29 सितंबर तक आवेदन आप उसके लिए कर सकते थे। परंतु दोस्तों, 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है ई अनुदान पोर्टल पर, जिसमें उन्होंने इस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब आप इसके लिए आवेदन जो है कि 2 अक्टूबर तक कर सकते हैं, जो कि 29 सितंबर था, उस तारीख को बढ़ाकर अब 2 अक्टूबर कर दिया गया है। और 3 अक्टूबर को लॉटरी जो है पोर्टल पर संपादित की जाएगी, मतलब 3-4 दिन एक्स्ट्रा और दे दिए हैं। जो भी किसान अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, क्या है कि बहुत से किसान भाइयों का जो 2 दिन बैंक बंद थी, उस कारण DD नहीं बन पाया है। तो इस चक्कर में किसानों ने अनुरोध किया, तो जो है कि कृषि विभाग की तरफ से इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब 2 अक्टूबर तक आप जैसे कि 8 से 10 बड़े कृषि यंत्र है, इसमें रोटो कल्टिवेटर है, विनोविंग फैन है, रीपर कंबाइंडर है, स्वचलित रीपर कंबाइंडर है, मल्टीक्रॉप थ्रेसर है, एक्सेल फ्लो पेडी थ्रेसर है, और जो है श्रेडर मल्चर है, इनके लिए आवेदन अभी हो रहे हैं। तो आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी DD बनवाकर जो है कि आवेदन कर दीजिए, आपका 2 अक्टूबर तक आवेदन हो जाएगा। और बहुत से किसान भाइयों के हमारे पास में कमेंट आ रहे हैं कि अगर लॉटरी में नाम नहीं आता है तो क्या हमारी DD के पैसे रिटर्न होंगे या फिर नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसमें बैंक का चार्ज कटता है लगभग 150 से 200 रुपये, वो कटने के बाद में आपकी DD का जो पेमेंट है वो रिटर्न हो जाता है, आपका जो पैसा है वो रिटर्न हो जाता है। 100 से 150 रुपये का आपको खर्च इसमें आने वाला है DD बनवाने में, वो बैंक चार्ज लेती है उसका, अन्यथा जो है विभाग की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप कृषि यंत्र पर सब्सिडी लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप 2 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, 3 अक्टूबर को लॉटरी पोर्टल पर संपादित की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी, जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।